सो नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल फुटेज में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपके लिए एक अनबॉक्सिंग लेके आया हूँ, जिसमें मैं आपको मैक्रोमैक्स इन नॉट वन का अनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगा। सो दोस्तों अगर प्लीज़ वीडियो अगर अच्छी लगती है तो एक लाइक कर देना, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए मैं फटाफट बॉक्स को अनबॉक्सिंग कर देता हूँ और देखते हैं इसमें क्या कुछ है। तो दोस्तों ये जो बॉक्स है बिल्कुल अभी न्यू है, अनटच, जैसे आया है वैसे ही। अभी मैं इसे अनबॉक्सिंग नहीं किया हूँ, कहीं से भी नहीं खोला हूँ, आप देख सकते हैं। तो चलिए इधर से भी देख लीजिए, कहीं से भी अनबॉक्स नहीं है। तो चलिए मैं इसे फटाफट अनबॉक्स कर देता हूँ। इसके लिए मेरे पास एक ब्लेड ले लेता हूँ। चलिए मैंने ब्लेड ले लिया और मैं इसे यहाँ से अनबॉक्सिंग कर देता हूँ। तो देखिए मैं आपके सामने अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ। तो चलिए मैंने इसे ओपन कर दिया हूँ। देखिए आज ही ये प्रोडक्ट आया हुआ है, 27/10/2021 है। तो चलिए मैं इसे यहाँ से काट दिया हूँ और मैं इसे यहाँ से ओपन कर देता हूँ। और बॉक्स में दोस्तों एक पर्ची है, तो मैं बता देता हूँ आपको इसमें कितना दाम लगा हुआ है, इसमें हमें कितना प्राइस लगा। तो देखिए दोस्तों इसे हमें बहुत कम प्राइस में मिला है, बहुत ज़्यादा डिस्काउंट चल रहा है अभी। तो 8,549 रुपया इसका प्राइस है और हमें 8,549 में मिला है, तो बहुत ज़्यादा डिस्काउंट है। चलिए हम आपको दिखाएंगे कि इसका कितना प्राइस है। तो चलिए इसे हम फिलहाल अभी साइड में रख देते हैं और इस बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। इस पर प्लास्टिक लगी है तो मैं इसे ओपन कर ले हटा देता हूँ यहाँ से, और दिखाता हूँ कि ये फर्स्ट लुक इसका कैसा है। तो चलिए मैं फटाफट इसे हटा दिया, और यहाँ पे सील लगा हुआ है तो चलिए मैं इसे भी अभी कट कर देता हूँ। तो दोस्तों मैं इसे यहाँ से कट कर दिया हूँ दोनों साइड से। तो चलिए अब मैं इसे यहाँ से निकाल देता हूँ। तो चलिए दोस्तों फाइनली मैं इसे ओपन कर दिया हूँ, और देखते हैं इसमें ये डॉक्यूमेंट है कुछ। देखिए प्रोटेक्शन प्लान है इसमें, और तो कुछ नहीं है, इसे साइड कर देते हैं। और इसके बाद ये है फ़ोन। तो चलिए मैं इसे भी यहाँ से निकाल लेता हूँ। तो चलिए मैं इसे फ़िलहाल साइड कर देता हूँ और देखते हैं इसमें और क्या क्या है। तो बहुत से दोस्तों में बैक कवर मिलता है, देखते हैं हमें मिलता है कि नहीं मिलता है किसी में। बहुत सारे वीडियो मैंने यूट्यूब पे देखा जिसमें वो बैक केस मिलता है, पर देखते हैं हमें मिलता है या नहीं मिलता है। तो दोस्तों बहुत अच्छी बात है, हमें इसमें बैक कवर मिला हुआ है। तो चलिए और देखिए हमें ये यहाँ पर सिम इजेक्टर टूल है, और जो ये भी अच्छी क्वालिटी में है और इसका डिज़ाइन अच्छा है। तो चलिए मैं इसे ये देख सकते हैं, अच्छा डिज़ाइन अच्छा लुक है। और मैं इसे प्रोटेक्टिव केस जो है मैं इसे यहाँ से ओपन कर देता हूँ, और इसमें भी एक डॉक्यूमेंट है, तो आप अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप इसे पढ़ के देख सकते हैं। फ़िलहाल मैं इसे साइड कर देता हूँ। और तो इसमें देखिए एक प्रोटेक्टिव केस मिला है हमें, जो फाइनली आप देख सकते हैं बिल्कुल अच्छा क्वालिटी है बिल्कुल। और जिस हिसाब से मैं प्राइस मिला है आप देख सकते हैं दोस्तों, मात्र 8,549 रुपये में मिला है। और क्या कुछ है इसमें, तो चलिए इसे भी हम साइड रखते हैं। और बॉक्स में हमें देखिए एक USB केबल है, चलिए इसे भी ओपन करते हैं और देखते हैं। तो देखिए दोस्तों हमें USB-C टाइप का इसमें केबल मिलता है, Type-A to Type-C टाइप का मिलता है। और इसमें चार्जर है, तो चार्जर हम देख सकते हैं इसमें 18 वाट का चार्जर है दोस्तों, आप देख सकते हैं इसमें 18 वाट का फास्ट चार्जर है जो कंपनी ने प्रोवाइड किया है। और बॉक्स में तो कुछ नहीं है और खाली है बॉक्स। तो चलिए फटाफट मैं सबको साइड कर देता हूँ, और ये भी साइड कर देता हूँ। ये देखिए ये
कैसे लग जाता है, देखता हूँ ये सही से फिटिंग होता है या नहीं। तो चलिए मैं इसे यहाँ से देखता हूँ। तो दोस्तों ये तो फिटिंग हो गया बिल्कुल सही से। तो चलिए इसे साइड कर देते हैं और फ़ोन की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों फ़ोन में तो पहले मैं इसे प्लास्टिक को यहाँ से हटा देता हूँ। तो दोस्तों मैंने ये हटा दिया है। पीछे ये देखिए इसमें माइक्रोमैन नॉट वन का ये लगा हुआ है वार्निंग, और ये वाइट कलर ऐसे पर्ल वाइट कलर है, बिल्कुल वाइट कलर नहीं है। तो चलिए मैं इसे स्क्रीन गार्ड को इस पर लगा हुआ तो नहीं है दोस्तों, लेकिन इसमें एक बहुत ही बढ़िया बात है कि इसमें हमें स्क्रीन गार्ड लगा हुआ दिख रहा है। दोस्तों आप देख सकते हैं इसमें स्क्रीन गार्ड लगा हुआ है, और जो इसका है क्रोम मेटल टाइप का है, पर ये मेटल तो नहीं लग रहा है, पर बिल्कुल मेटल में दिया हुआ है। और इसमें हमें साइड में वॉल्यूम बटन मिल जाता है और एक पावर बटन मिल जाता है, और ऊपर में एक माइक्रो सेंसर दिया हुआ है आप देख सकते हैं। और इस साइड भी दोस्तों एक हमें यहाँ पे डेडिकेटेड सिम स्लॉट, ये गूगल का बटन मिल जाता है इसमें, एक और बढ़िया चीज़ है। और यहाँ पे एक ये सिम दिया हुआ है, तो देखते हैं इसमें कौन सा सिम है। तो फिलहाल पहले हम बैक कवर को लगा के आपको दिखा देते हैं, इससे पहले सॉरी ये खोल के दिखाते हैं इसमें कौन सा सिम है। तो देखिए दोस्तों अच्छी बात है कि इसमें डेडिकेटेड सिम स्लॉट है, दो सिम और आप मेमोरी लगा सकते हैं। तो चलिए मैं इसे लगा देता हूँ और प्रोटेक्टिव केस लगा देता हूँ। लगाने के बाद दोस्तों बिल्कुल फाइनली ये बहुत बढ़िया से बैठ गया है, और देख सकते हैं आप बिल्कुल फाइनली बैठ गया है, बिल्कुल टाइट से बैठा हुआ है और कोई दिक्कत नहीं हुआ, और क्वालिटी भी बेस्ट है। तो चलिए मैं फटाफट इसे मोबाइल को ऑन कर देता हूँ। तो दोस्तों जब तक मोबाइल ऑन हो रहा है, दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो एक लाइक ज़रूर कर दें, और अगर चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए ये मोबाइल ऑन हो रहा है, जो मोबाइल का फर्स्ट लुक आप देख सकते हैं आपको कैसा लग रहा है। तो चलिए मैं इसे यहाँ से स्टार्ट कर देता हूँ। स्टार्ट करने के बाद यहाँ पे मोबाइल नेटवर्क मांग रहा है, तो मैं इसे फ़िलहाल स्किप कर देता हूँ और वाईफाई ले लेता हूँ ताकि आपको मैं और भी चीज़ें इसमें दिखा सकूँ। तो चलिए मैं इसमें वाईफाई कनेक्ट कर देता हूँ। तो चलिए दोस्तों मैं इसे वाईफाई यहाँ से कनेक्ट कर देता हूँ फटाफट। और वाईफाई मैं कनेक्ट कर दिया हूँ। तो फाइनली दोस्तों फ़ोन बिल्कुल चालू हो गया है। तो चलिए आप देख सकते हैं आपको डिस्प्ले कैसा लग रहा है, आप हमें बिल्कुल देख सकते हैं, डिस्प्ले बहुत ही अच्छा है, बहुत बढ़िया डिस्प्ले लग रहा है देखने में। और जो ये डिस्प्ले है दोस्तों 6.67 इंच का फुल HD डिस्प्ले है। और चलिए हम इसकी बात करते हैं कैमरे की। तो कैमरे में 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है, 5 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा है, और 2-2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है, और आगे में 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है। और इसकी बैटरी की बात करें तो आपको 5000 मिली एम्पियर की इसमें बैटरी मिल जाती है, और इसमें प्रोसेसर G85 का हेलियो प्रोसेसर दिया हुआ है दोस्तों। ये 4G वोल्टी सपोर्ट करता है, प्लस आप फुल HD में आप इसे रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, और ये एंड्रॉयड 10 वर्जन है दोस्तों, और ये 2 GHz सपोर्ट स्पीड है इसका, और ये 4GB का वेरिएंट है, 4GB 64GB का वेरिएंट है। तो चलिए मैं आपको इस मोबाइल का प्राइस आपको दिखा देता हूँ। तो जो इसकी प्राइस है हम दिखा देते हैं आपको, इसमें प्राइस जो 15,499 रुपया देख रहे हैं आपको, लेकिन हमें ये 8,549 रुपये में मिला है। तो दोस्तों बहुत ही कम दाम में मिला है। और आपको कैसा लग रहा है, ये फ़ोन का जो कलर है पर्ल वाइट है, जो देखने में बहुत ही स्टैंडर्ड लुक है। तो चलिए मैं एक बार देखते हैं इसका। तो अभी तो फिंगरप्रिंट सेट किया नहीं हूँ, तो सेट कर लेंगे। फ़िलहाल मैं इसे पासवर्ड डाल देता हूँ।
तो चलिए मैं आपको यहाँ से एक फ़ोटो लेकर के दिखाता हूँ कि कैसा फ़ोटो आता है। तो चलिए मैं इसका एक फ़ोटो ले लेता हूँ, मेरे पास तो कुछ है नहीं अभी, तो आप लाइव देख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमें तो बेस्ट क्वालिटी लग रहा है, आपको कैसा लग रहा है आप हमें बता सकते हैं। तो चलिए मैं इसका एक फ़ोटो लेता हूँ, चलिए और देखिए ये फ़ोटो क्वालिटी कैसा है दोस्तों, आप देख सकते हैं। हमें तो बहुत अच्छा क्वालिटी लग रहा है, जिस हिसाब से मैं पैसा लगा है, मात्र 8549 रुपये में 4GB 64GB वेरियंट और वीडियो का क्वालिटी, कैमरा का क्वालिटी देख सकते हैं कितना तगड़ा है, बेहतरीन है। चलिए अब मैं आपको यहाँ से कुछ वीडियो चला के दिखाता हूँ, जिसमें इसका आवाज़ आप देख लेंगे। तो चलिए मैंने यहाँ से एक वीडियो ले लेता हूँ और देखते हैं किस टाइप का ये आवाज़ देता है। तू मेरा है ठीक है, और तू मेरा ही है, मैं फाड़ के रख दूंगी सबको यहाँ पे, मुझे गेम नहीं जीतनी, मुझे तुझे जीतना है। नींद से उठा दे मुझे फिर से तू जोगिया में पीरा, हंसना सिखा दे मुझे फिर से तू। तो देख लिया दोस्तों, इसमें वॉइस की ऑडियो की कोई कमी नहीं है दोस्तों, आवाज़ की कोई कमी नहीं है, फुल साउंड दिया हुआ है। और आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और चलिए और भी कुछ अगर बचा है तो मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ, जो इसका ब्राइटनेस है, अभी फुल नहीं है, और भी ब्राइटनेस यहाँ पे फुल कर सकते हैं आप, ब्राइटनेस की भी कोई कमी नहीं है, दिन में भी आप आराम से चला सकते हैं। और दोस्तों जो इसमें कैमरा दिया है, पंच होल कैमरा दिया है, जो ये सबसे बेस्ट लगा मुझे, जो बाकी कैमरे बाकी फ़ोन में जो कैमरा आता है बिल्कुल नॉच सा दिया रखा है, यहाँ पे जब आप गेमिंग करते हैं गेम खेलते हैं तो बहुत डिस्टर्ब करता है, लेकिन ये पंच होल कैमरा की वजह से यहाँ पे आपको कोई डिस्टर्ब नहीं होगा, जो बहुत ही बढ़िया बात है। और दोस्तों सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें कोई भी आपको फालतू ऐप्स देखने के लिए नहीं मिलेगा, जो बाकी सारे फ़ोन है उसमें बहुत सारे ऐप्स इंस्टॉल पहले से रहता है, लेकिन इसमें कोई भी ऐप फालतू नहीं है, सब सारे काम के हैं और एक भी यूज फालतू ऐप नहीं है। सो दोस्तों हमें फाइनली अगर पूछे तो हमें ये फ़ोन बहुत अच्छा लगा, बेस्ट लगा, और सबसे अच्छी बात है कि ये मेक इन इंडियन फ़ोन है दोस्तों, और हमें इसको सपोर्ट भी करना चाहिए, जो इतना कम दाम में हमें प्रोवाइड करा रहा है, 4GB 64GB वेरियंट 4.5-8 हज़ार में, और क्वाड कैमरा सेटअप दिया हुआ है, फ्लैश दिया है। तो दोस्तों आपको कैसा लगा वीडियो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही यूजफुल ट्रिक्स के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।